गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है गुड मॉर्निंग कहाँ हो तुम लोग एक मिनट मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोगों को मैं दिख रही हूं या नहीं एक बार मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ क्या हो रहा है ये हाय 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 ओके सो अभी मुझे मैं खुद दिखने लगी हूँ उससे पहले मैं दिख नहीं रही थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्लास चल रही है या नहीं हाय हाय ओके सो अभी मुझे मैं खुद दिखने लगी हूँ उससे पहले मैं दिख नहीं रही थी हाय सो so, आज आखिरी दिन है और कल नीट का एग्जाम है सो so, जल्दी से कम से कम समय में मैं चाहती हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी तुम लोगों को एक बार मेन 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 पॉइंट्स रिवाइज़ करा दूँ कोई भी कॉन्सेप्ट मैं समझाने नहीं बैठूंगी सिर्फ हम रिवाइज़ करेंगे कहाँ पे कितने एटीपी लगते हैं कहाँ पे कितने एटीपी यूज़ होते हैं कहाँ पे बनते हैं कौन सा मिनरल क्या करता है जस्ट एक क्विक रिविजन हम लोगों को लेना है ठीक है पर अगर आपने रिविजन ध्यान से पढ़ लिया तो मोस्ट हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन हो जाने चाहिए जय माता दी स्टार्ट करते हैं होपफुली आपको ये टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करने का रिटर्न वैसे ही मिले जितना आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया करोगे आप इस क्लास में चलो शुरू करते हैं ध्यान से सुनो अपनी एनसीआरटीज लेके बैठो साथ में और नोट्स के साथ साथ रिवाइज करते जाओ सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लान से शुरू करेंगे अनकेडमी पे मेरा स्पेशल मेंटरशिप का बैच 22 जुलाई से शुरू हो रहा है मतलब अगले साल ऐसे हीरे तराशने हैं मुझे और मेरे नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं मेरी डी पी हो गई हैं बैच शुरू होगा पूरे साल चलेगा और ऐसे बच्चे हम लोग निकालेंगे कि मतलब बायो में इतना सा भी कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा उनका ठीक है उसमें एडमिशन लेने के लिए आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोड डालकर आर आई टी यू ऋतुमी का एप डाउनलोड करना है लर्निंग ऐप वहां से नीट कैटेगरी पे जाके एक या दो साल सेलेक्ट करके कोड डालना है नीचे आर आई यू फिर उसको अप्लाई करना है फिर पेमेंट करनी है और फिर आपको बैच लगाने के लिए आना है ओके okay. सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस फिर से दो प्रकार का है एक्टिव सॉरी पैसिव और एक्टिव पैसिव वो जिसमें कोई एटीपी यूज नहीं होता एक्टिव वो जिसमें एटीपी यूज होएगा पैसिव फिर से दो प्रकार का है डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन यूज होंगे एक्टिव में भी प्रोटीन यूज होंगे ठीक है लॉन्ग डिस्टेंस होगा आपका जाइलम और फ्लोएम अगर आप डिफ्यूजन की बात करो तो यहाँ पे कोई एटीपी नहीं लगेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर या सेल टू सेल या फिर इंटरसेल्युलर स्पेसेस में ये बहुत ही स्लो होता है ठीक है नेट नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम नॉन लिविंग सिस्टम्स में भी हो सकता है सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब भी बिना एटीपी के मूव करेगा तो ऑब्वियसली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव करेगा ओनली मीन्स ऑफ गैशियस ट्रांसपोर्ट जितना ओ टू ओ टू ट्रांसपोर्ट होता है वो सब डिफ्यूजन से होता है देन डिफ्यूजन का रेट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन में परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टेम्परेचर प्रेशर साइज ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर बात करें तो ये भी नो ए टी पी पैसि का ही पार्ट है पैसिव डिफ्यूजन अकरिंग विद विद हेल्प ऑफ प्रोटीन्स लेकिन प्रोटीन्स की हेल्प से फॉर हाइड्रोफिलिक मोइटीज जो मोइटीज़ या आपके जो केमिकल्स हैं लिपिड बायोलेयर में से नहीं क्रॉस कर पाते ठीक है तो उनके लिए हम प्रोटीन्स लगा देते हैं प्रोटीन में से वाटर सोल्यूबल चीजें ईजिली क्रॉस कर जाती हैं चैनल प्रोटीन हो सकता है कैरियर प्रोटीन हो सकता है चैनल प्रोटीन में सिंपली आपने एक प्रोटीन लगाया और बीच में से रास्ता बना दिया निकलने के लिए कैरियर प्रोटीन में क्या होगा ये एक जगह से पकड़ेगा फिर अपना शेप चेंज करेगा अंदर की साइड या बाहर की साइड रिलीज करने के लिए नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो चैनल्स बनते हैं वो चैनल्स कुछ हमेशा ही ओपन रहते हैं कुछ जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं पोरिन नाम के लार्ज पोर्स होते हैं इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अलाउिंग इवन स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स टू पास ठीक है plastids, small, small pass, तो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के भाई माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक के भाई हैं उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं जिनको पोरिन बोलते हैं वाटर चैनल से वाटर पास करता है वाटर चैनल्स भी प्रोटीन की बनी होती है आठ डिफरेंट एक्वा पोरिन प्रोटीन्स की बनी होती हैं ठीक है पैसिव सिंपोर्ट्स और एंटीपोर्ट्स क्या होते हैं अगर प्रोटीन में से सिर्फ एक चीज़ जा रही है तो उसको यूनिपोर्ट बोलते हैं अगर दो चीज़ें जा रही हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो एंटी ऑपोजिट पोर्ट और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो सिम्पोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये एनर्जी यूज करेगा प्रोटीन होगा लेकिन वो एनर्जी यूज करके चीज़ें पम्प करेगा यूज एनर्जी टू पम्प मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप हिल ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन्स के द्वारा होगा ठीक है स्पेशल डिफ्यूजन में नहीं चाहिए बाकी दो में चाहिए। हाईली सिलेक्टेड जिसके पास प्रोटीन है वही हाईली सिलेक्टिव है, है. अपिल ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक्टिव रिक्वायर्स ए सिर्फ एक्टिव प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स। एक मिनट <bit. sh> चलो वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट हमें पता है बात वाटरमेलन में 92 टू परसेंट वाटर होता है हर्बेशियस प्लांट्स में दस से पंद्रह परसेंट उनके फ्रेश वाटर का वेट फ्रेश वेट का पार्ट होता है वाटर सीड में दस से पंद्रह परसेंट वाटर होता है एनसीईआरटी का डेटा है ठीक है वाटर पोटेंशियल जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि डिक्रीज हो जाती है अगर सॉल्यूट आप ऐड करते हो इसलिए प्योर वाटर की हाइएस्ट होती है और हाइएस्ट कितनी होती है ज़ीरो विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप प्रेशर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर रख रहे हो तो अगर हम सोल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो वो भी प्योर वाटर का ही हाइएस्ट होता है ज़ीरो इसी को ऑसमोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल जितना वाटर पोटेंशियल लोअर हो जाएगा सोल्यूट डालने से वही सोल्यूट पोटेंशियल है हमेशा नेगेटिव होगा हमेशा नेगेटिव होगा और सोल्यूशन जिसमें हम प्रेशर का कोई रोल नहीं ले रहे उसमें जो ये है वाटर पोटेंशियल है वही सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर है ठीक है सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा ही नेगेटिव में होगा प्योर वाटर का दोनों जीरो जीरो होगा ठीक है प्रेशर पोटेंशियल इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमोसफेयरिक प्रेशर ठीक है अगर आप प्योर वाटर के ऊपर ग्रेटर देन एटमोसफेयरिक प्रेशर से ज़्यादा आप लगाओगे ठीक है तो उसको हम प्रेशर पोटेंशियल बोलेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ कर जाएगा उसी को हम प्रेशर पोटेंशियल बोल देंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आती है जो कि नीट में आती है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल ऑस्मोसिस क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल सेम वाटर पोटेंशियल तो यहाँ पे जहाँ वाटर ज्यादा है वहीं पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है ठीक है जहाँ वॉटर कम है सोल्यूट ज्यादा है तो यहाँ पे वॉटर पोटेंशियल कम है तो वॉटर विल uh, Move from here to here. नहीं कभी भी समझ में आए भूल जाओ तो ऐसे याद रखना है कि पानी की बीवियां होती है सोल्यूट जहां सोल्यूट होगा पानी उनके पीछे भागेगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे हमने सुक्रोज सोल्यूशन लिया था यहाँ पे प्योर वाटर था वाटर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाएंगे उसको ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर बोल देंगे ऑस्मोटिकेशस्मोटिकेशंसेंट्रेशन का फंक्शन है जितना ज्यादा यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर अंदर आने की कोशिश करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बस इनका साइन ऑपोजिट होता है देन प्लाज्मोलिस क्या होता है अकर्स वेन

ठीक है इसको बोलते हैं प्लाज्मासिस रिवर्सेबल होता है, रिवर्से है नॉर्मल वाटर में डालोगे दोबारा तो से फूल जाएगा अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो फ्लैसिड सेल बनेगा ठीक है जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर पानी आएगा तो नेट मूवमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी देन टर्जिड सेल कब बनेगा जब बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन डालोगे तो पानी अंदर एंटर कर जाएगा और ये सेल जो है फूल के कोपा हो जाएगा इसको टर्जिड सेल बोलते हैं ठीक है टर्गर प्रेशर क्या होता है प्रेशर ऑफ प्रोटो प्रोटोप्लाज्म लिखना था प्रोटोप्लाज्म ये SM, और देख लो डी पी डी का डीपीडीवल टू ओपी माइनस टीपी वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एनसीआरटी में है नहीं बट फिर भी ये क्वेश्चन याद रख लो डीपीडी होती है प्यास ठीक है सेल की प्यास तो ओ पी माइनस टीपी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्कल प्रेशर माइनस कर देना ठीक है जिसकी जितनी प्यास है ठीक है पानी जो है लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ जाएगा लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ ही जाता है ना हाँ लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ जाएगा इन स्पेशल अरे यार लोअर डीपीडी से जाता है एक बार लिखना कमेंट सेक्शन में मैं भूल जाती हूँ बार बार ये क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता नहीं ना ये जल्दी बोलो लोअर डिप्टी से हायर डिप्टी की तरफ जाता है ना मैम वॉइस लो है बेटा ऐसे ही पढ़ा पा रही हूँ मैं तुम्हें नहीं पता मैं कैसे पढ़ा रही हूँ है ना लो डिप्टी से हायर की तरफ जाता है हाँ हाँ सही है सही है सही है चैट बॉक्स में ठीक है देन इम्बाइबेशन क्या होता है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है वाटर जो है सॉलिड के अंदर हो जाता है है ठीक जैसे कि वुड में जब पानी होता है जैसे कि सीड्स के अंदर जब पानी होता है ठीक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में क्या होगा जाइलम फ्लोम की हम बात करेंगे वाटर मिनरल्स फूड्स आर जनरली मूव्ड बाय मास या बल्क फ्लो मास या बल्क फ्लो क्या होता है इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन सो बेसिकली जयलम और फ्लोम दोनों की मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन कह सकते हैं जहाँ पर भी मास फ्लो या बल्क फ्लो होगा मास फ्लो या बल्क फ्लो क्या होता है जहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस है और एक नदी की तरह सारी चीज़ें बह रही है मतलब एक ही स्पीड से सारी चीज़ें बह रही हैं आगे आ जाओ हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर तो भैया एपिडर्मस से लेके जाइलम तक कैसे पहुंचेगा पानी दो तरीके हैं एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पाथवे थ्रू एपोप्लास्ट क्या होता है इंटरसेलुलर स्पेसिस में होता है और सेल वॉल में होता है ठीक है कोई सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होता कोई साइटोप्लाज्म में से नहीं जाती चीज नो रेजिस्टेंस टू मूवमेंट कहाँ से रेजिस्टेंस आएगा खाली जगहों में से घूम रहे हो डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट ठीक है ये फास्ट भी होता है जो सिम्प्लास्ट है वो थ्रू प्रोटोप्लास्ट्स है कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा तो ये स्लो भी होता है रिलेटिवली स्लोअर होता है एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट देन जब पहले आपके वाटर मिनरल्स आते हैं ठीक है एपिडर्मिस सेल्स फिर कॉर्टेक्स फिर एंडोडर्मिस पेरिसाइकल और फिर जाइलम में आते हैं तो पहले-पहले मोस्टली एपोप्लास्ट में आते हैं ठीक है जैसे एपिडर्मिस वगैरह में सिम्प्लासी से जाते हैं बट

वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट जो जाइलम का मूवमेंट है वो दो चीजों से आता है रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल जो मेजर फैक्टर है वो ट्रांसपिरेशनल पुल है जो माइनर फैक्टर है वो रूट प्रेशर है जो रूट प्रेशर है, है वो पुश है जो ट्रांसपिरेशनल वो तो नाम में ही है इसके वो पुल है मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रही ना मुझे एक बार मैसेज करके बताओ मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रही ना क्या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ कि इसी स्पीड में चलूँ तुम लोगों ने पहले मेरे साथ ये रिवाइज़ किए हुए हैं चैप्टर्स मुझे सिर्फ तुम लोगों को एक बार शक्ल दिखानी है चीज़ों की जल्दी बोलो स्पीड तो ज़्यादा नहीं है ना सही है ना इतना सही है गुड गुड So, भैया जो पुश होता है वो छोटा होता है ठीक है छोटा सा होता है इसकी वजह से गटेशन हो जाती है ठीक है ये पुल जो होता है ये मेजर फैक्टर होता है ट्रांसपोर्ट का देन रूट प्रेशर वेरियस आयंस आर एक्टिवली अरे यार वेरियस आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम ठीक है उनके पीछे पानी आता है तो उससे क्या है वो प्रेशर भर जाता है जहाँ रूट के पास काफ़ी सारा प्रेशर बन जाता है ज़ाइलम में अब पॉजिटिव प्रेशर पुश इज बिल्ट विच इज कॉल्ड रूट प्रेशर उसकी वजह से गट्टेशन होती है गट्टेशन क्या होती है ग्रासेज में जो टिप है यहाँ पे जो टिप होता है उसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हाइडा थोड बोलते हैं तो हाइडा थोड से लिक्विड वाटर रिलीज करता है ये ठीक है वाटर लॉस्ट इन लिक्विड फेज ट्रांसपिरेशन में क्या होता है गैश फेज में होता है फ्रॉम स्पेशल ओपनिंग्स ऑन द मेन्स नियर टिप्स ऑफ ग्रास प्लेट्स डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट जस्ट प्रोवाइड अ मॉडस्ट पुश ठीक है ट्रांसपिरेशनल पुल ये मेजर फैक्टर है नेगेटिव प्रेशर पुल मतलब खींच रहा है ठीक है नेगेटिव मतलब खींच रहा है पॉजिटिव का मतलब पुश कर रहा है इसकी थ्योरी का नाम है कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम स्टोमेटा कॉजिंग अ पुल ऑन द वाटर कॉलम इन जाइलम वैसल्स ऐसे पानी उड़ता रहता है उससे ट्रांसपीरेशन से और वहाँ से पूरा वाटर कॉलम ऊपर खिंच जाता है ठीक है ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स दो प्रकार के फैक्टर्स हैं या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स या तो इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर ज़्यादा ट्रांसपीरेशन जैसे कपड़े सूखते हैं ना जितना जल्दी कपड़े सूखेंगे उतनी जल्दी ट्रांसपरेशन होगा उस तरीके से सोचो ज़्यादा लाइट ज़्यादा जल्दी कपड़े सूखेंगे ठीक है ज्यादा ट्रांसपेरेशन जितनी ह्यूमिडिटी उतना कम जितनी विंड स्पीड उतना ज़्यादा ठीक है इंटरनल फैक्टर्स में क्या हो गया नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा देन कैनोपी स्ट्रक्चर ये सारे उसके इंटरनल फैक्टर्स हो गए प्लस वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट भी इंटरनल हो गया वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट भी इंटरनल हो गया जितना मतलब कम वाटर है तो फिर कम ट्रांसपीरेशन होगी है ना मान लो पहले ही बिल्टिंग हो रखी है तो ट्रांसपीरेशन कहाँ से हो जाएगी देन ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एक्सेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन तीन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कोहेजन मतलब कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल का प्यार एडहेजन वाटर मॉलिक्यूल का जाइलम सर्फेस से प्यार अट्रैक्शन ऑफ वाटर विद पोलर सर्फेस पोलर सर्फेस यहाँ पे जाइलम का सर्फेस बोल रहे हैं एंड सर्फेस टेंशन सर्फेस टेंशन क्या है वाटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड फेज में है वो उनका आपस में ज़्यादा प्यार रैदर देन उनका प्यार उनके गैशेज uh, फेज से वाटर मॉलिक्यूल्स मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज देन वाटर मॉलिक्यूल्स इन गैस फेज इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से पानी को फिर से दो और अलग से प्रॉपर्टीज मिलती हैं क्या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एबिलिटी टू रिजिस्ट अ पुलिंग फोर्स ताकि जो वाटर का धागा बनाए वो टूट ना जाए

शुगर केन मेज सॉर्गम शुगर केन ठीक है अपटेक ऑफ मिनरल कैसे होता है बेटा मिनरल आय एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं और एक्टिवली पैसिवली ही दोनों तरीके से निकाले भी जाते हैं सिंक में डाले भी जाते हैं लेकिन एक्टिव एब्जॉर्बन ज्यादा है क्यों रीजन है उसके सम मिनरल्स आयंस आर पैसिवली मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्टिवली मोस्ट जो है वो एक्टिवली है ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन एंडलोल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आय चीप थिंक क्या है ग्रोइंग रीजन अनलोडिंग ऑफ आयन अकर बाई डिफ्यूजन एंड वही। पैसिव भी है एक्टिव भी है मोस्टली आय <laughs> देखो प्लांट में जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो जनरली ज्यादा होती है रूट से उससे सॉइल से तो कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा में अगर आपको पुश करना है तो आपको एक्टिव ही पुश करना पड़ता है इसलिए आयंस मोस्टली एक्टिवली ही रूट के अंदर जाते हैं ठीक है, किन की होती है पोटेशियम की नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की मैग्नीशियम की और सल्फर की और किन की नहीं होती काश में मूव कर पाता काश सी एस और एफ ई आयरन तो कैसे मूव करेगा इतना भारी है देखो सल्फर इधर भी इधर भी है क्योंकि एक बार एनसीआरटी में इमूवेबल बताया हुआ है और एक बार मूवेबल बताया हुआ है तो तुम्हें क्या है क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है अगर बोला विच ऑफ दीज इज बल और तुम्हारे पास कैल्शियम या आयरन में से कोई ऑप्शन है तो उसको मार्क कर दो लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है तो सल्फर पर है तो सल्फर को मार्क कर दो फिर जाइलम जाइलम में क्या क्या होता है जाइलम में पानी होएगा एक तो ठीक है हमें लगता है सिर्फ इनऑर्गेनिक मिनरल्स है लेकिन नहीं सम नाइट्रोजन इज ट्रेवल्स एज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस बट मच ऑफ इट इज कैरिड एज इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स जैसे कि अमाइनो एसिड तो भैया नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा अपने ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है इवन फॉस्फोरस भी अपने ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है इवन सल्फर भी अपने ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है तो जायलम में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार का ट्रांसपोर्ट मिलेगा ठीक है स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन जायलम एंड फ्लोइम जायलम और फ्लोइम आपस में चीजें भी एक्सचेंज करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते <coughs> मैं क्लास में हूँ मेरी दीदी मुझसे पूछ रही है कि खाने में क्या बनेगा जाइलम और फ्लोएम आपस में एक्सचेंज करते हैं चीज़ें तो आप ये नहीं कह सकते कि फ्लोएम में सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और जाइलम में सिर्फ इनऑर्गेनिक है ऐसा नहीं कहना है जाइलम में हॉर्मोन्स भी होंगे जाइलम में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी होगा वाटर भी होगा इनऑर्गेनिक आयंस भी होंगे ठीक है सिमिलरली फ्लोएम में वो होगी आपका कार्बोहाइड्रेट होगा सुक्रोज होगा पानी होगा हॉर्मोन भी होंगे उसमें इनऑर्गेनिक चीज़ें भी होंगी उसमें

प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस होती है इसकी ठीक है ये एक्टिवली ही चढ़ती है सीव ट्यूब्स के अंदर और एक्टिवली ही निकल जाती है सीव ट्यूब्स से और कंपेनियन सेल लोडिंग और अनलोडिंग में हेल्प करता है ठीक है फ्लोएम सैप मूव्स बाय पॉजिटिव प्रेशर हाँ नेगेटिव प्रेशर से नहीं जैसे ट्रांसपरेशन में तो मेनली नेगेटिव प्रेशर ही था ना इसमें पॉजिटिव प्रेशर है मेन जो है सुक्रोज मूव्स पहले कहाँ पे कंपेनियन सेल में फिर वहाँ से सीव ट्यूब्स में बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है देन वाटर उसके अंदर जाइलम से आके फ्लोएम में चला जाता है सो क्रिएट्स इट क्रिएट्स हायर हाई प्रेशर देन सिंक क्या होता है सुक्रोज मूव्स आउट ऑफ दीप ट्यूब इन टू सेल्स फिर से एक्टिवली ही निकाली जाएगी एंड वाटर भी फिर उसके पीछे पीछे आ जाएगा बाहर वाटर ऑल्सो फॉलो सो डिक्रीज प्रेशर गर्डलिंग का एक्सपेरिमेंट क्या है जब आप एक प्लांट को सिर्फ उसकी फ्लोएम निकाल देते हो यहाँ से फ्लोएम निकाल देते हो फूड फूड ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू निकाल देते हो यूज टू आइडेंटिफाई टिश्यू थ्रू विच फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड रिमूवल ऑफ बार्क अप टू फ्लोएम लेवल तो इस पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने किसी प्लांट की गर्डलिंग कर दी तो पहले क्या मरेगा पहले रूट मरेगी या शूट मरेगा तो बेटा पहले अगर खाना नहीं नीचे आ पाएगा आपने फ्लोएम निकाल दी तो खाना ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा है ना वो ऐसे ऊपर ऐसे मोटा सा हो जाता है नीचे नहीं आ पा रहा तो रूट मरती है पहले ठीक है शूट बाद में मरती है शूट तो इसलिए मरेगी क्योंकि रूट मर गई तो फिर वाटर नहीं ट्रैवल कर रहा ऊपर नेक्स्ट चैप्टर पे चलिए मिनरल न्यूट्रिशन आज छोटा चैप्टर है इजी मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स हाइड्रोपॉनिक्स हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है हम सॉयललेस सल्यूशन में वाटर में हम जो है प्लांट्स उगा देते हैं फिर हम उसमें देख लेते हैं जो भी मिनरल का हमें इंपॉर्टेंस देखनी है वो मिनरल हम नहीं डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भैया इससे क्या हुआ इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पता चल जाएंगे इसके फायदे पता चल जाएंगे ठीक है या किसी के मान लो आ, हमें देखनी है कि टॉक्सिसिटी कैसे होती है तो उसको ज़्यादा डाल देंगे हाइड्रोपोनिक्स ग्रोइंग प्लांट्स इन सोयल इन एटीन सिक्सटी जूलियस ने किया था जर्मन uh, बॉटनिस्ट थे जिन्होंने बोटनेस्ट्रेट किया था हाइड्रोपोनिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम हाइड्रोपोनिक्स इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो सीडलेस एंड लेट्यूस क्यूकम सोची थी इसको कैसे याद करेंगे तो बहुत ईजी है यार क्या करते हैं हम पानी से में उगाते हैं ना ऐसे एक ट्यूब सी लेते हैं उसमें पानी लेते हैं उसमें सब्जियां उगाते हैं तो क्यों ना हम उसमें सैलड की चीजें डाल दें टमाटर खाते हैं हम खीरा खाते हैं और लैट्यूज खाते हैं धोने के लिए डाल दो पानी में से याद कर लो कि हाइड्रोपोनिक्स में उगाया था आउट ऑफ एलिमेंट्स ओनली आर फाउंड इन प्लांट्स लेकिन वो भी सारे असेंशियल नहीं होते कहीं कहीं तो गोल्ड सिलीनियम और रेडियो एक्टिव स्ट्रॉनशियम तक एक्यूमुलेट कर लेते हैं हमारे प्लांट्स क्राइटेरिया क्या है असेंशियलिटी का एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ या रिप्रोडक्शन ठीक है नॉट रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबोलिज्म ऑफ प्लांट देन कितने असेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे पास सत्रह असेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसमें से नौ हमारे माइक्रो न्यूट्रियट्स हैं और आठ हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं नौ को हम कैसे याद करेंगे आ, चलो आगे बताते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ टेन मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई वेट एंड ये लेस देन टेन मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई वेट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम याद करेंगे कौन पीसेगा पीसीएम ठीक है कि पीसीएम को कौन पीसेगा सीएचओएन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम और माइक्रोन को हम कैसे याद करेंगे मोहब्बत जान मन जाने मन क्यों निकाल फेंकी या जाने मन मोहब्बत क्यों निकाल फेंकी तो मोहब्बत से एमओ और बी मोलिबिडनम और बोरन जाने मन जाने से जिंक मन से एम और क्यू से कॉपर निकाल से निकल और क्लोरी क्लोराइड फेंकी से एफी आयरन आयरन फिर भी सबसे जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स वैसे तो वो कम चाहिए होते हैं लेकिन आयरन मैक्सिमम क्वांटिटी में चाहिए होता है अगर माइक्रो न्यूट्रेंट्स में ही कंपेयर करें तो मांग माइक्रो न्यूट्रेंट्स मैं सोची थी तुम लोगों की सात बजे सुबह क्लास लेनी है तो मैं ऑफिस में ही रह गई रात को महीन सुबह तो मैं आऊंगी नहीं मैं जो कुछ नोट्स बना लेती हूँ बैठ के सुबह सुबह क्लास भी ले लूँगी <coughs> ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है टेलीग्राम का एप डाउनलोड करना है वहाँ पे रितु रहतेवाल लिखना है ठीक है तो वहाँ पे अस्सी हज़ार बच्चों का एक ग्रुप है वहाँ पे मैं भी डाल दूँगी क्लास के बाद ये नोट्स देन फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं या तो वो कंपोनेंट हो सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स के ठीक है स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे कि सी एच ओ एन या वो कंपोनेंट्स हो सकते हैं एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स के जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है क्लोरोफिल में क्या होता है मैग्नीशियम होता है बीच में चार नाइट्रोजन होता है यहाँ पे ठीक है और क्लोरोफिल बनाने के लिए आयरन की भी जरूरत होती है क्योंकि आयरन कुछ कुछ मतलब यू नो उस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं यूज होता है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो मैग्नीशियम uh, की डेफिशिएंसी हो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो इन सभी डेफिशिएंसीज़ में आपको क्लोरोसिस देखने के लिए मिलेगा क्लोरोसिस मतलब क्लोराइड क्या कहते हैं क्लोरोफिल नहीं बन रहा है जैसे कि फॉस्फोरस ए में आपको मिल जाता है देन एक्टिवेटर एंड इनिबेटर ऑफ एंजाइम जैसे कि मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे एंजाइम्स में मिलेगा ठीक है ये एक्टिवेट करता है रूबिस को रेस्पिरेशन पेपकेसरी सॉरी सॉरी दोनों ही फोटोसिंथेसिस है आई एम सॉरी फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स हैं देन रेस्पिरेशन का वो एंजाइम है ठीक है? जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजनिस एंड मोफी कंपाउंड होता है नाइट्रोजनस मोलिबिटनम और आयरन ठीक है ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बेटा दो ही चीज चेंज कर सकती है तो या तो पोटेशियम या तो

ठीक है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही चाहिए कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मैंने बताया था कहाँ पर लगता है नाइट डीएनए आ क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इनमें हॉर्मोन्स वाइटमिन मेनली रिक्वायर्ड बाई मेरिस्टमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट्स फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट आयन के रूप में ऑब्जॉर्ब होता है ठीक है सेल मेम्ब्रेन क्योंकि फॉस्फोलिपिड होते हैं फॉस्फो लिपिड होते हैं ठीक है न्यूक्लिक एसिड क्योंकि शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है एंड कुछ-कुछ प्रोटीन्स में भी होता है बहुत कम प्रोटीन्स में होता है बट होता है फॉर फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस एटीपी और एनएडीपीएच में भी ठीक है मैं देख ही रहे हो आप लोग पीपी ये क्या है फॉस्फेट ही है पोटेशियम अब्सॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन रिक्वायर्ड फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बर्ड्स लीव्स रूट्स टिप्स एंड आयन बैलेंस बनाता है अच्छा जो टर्गर प्रेशर वगैरह ना वो तो पोटेशियम ही करता है एनाइन के टाइम बैलेंस में क्लोराइड यूज होता है तो मैंने यहाँ पे क्लोराइड नहीं लिखना चाहिए था मेरे को एनाइन के टाइम बैलेंस में, में क्लोराइड और पोटेशियम यूज होता है तो यहाँ पे सिर्फ यही सही है

ठीक है तो इसके डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ नजर आएंगे अगर जो चीज नहीं मूव कर पा रही ओल्डर लीव में ही रह रही है मूव नहीं कर पा रही उसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम पहले यंगर लीव्स में नजर आएंगे मैग्नीशियम एब्सॉर्ब एज मैंगनी क्या कहते हैं मैग्नीशियम आयन एक्टिवेट्स द ये ये मैं पहले बता चुकी हूँ इनसे आर एन ए कॉन्ट्रेंट ऑफ क्लोरोफिल और मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर इसको कैसे याद रखना है मैग्नेट से याद रखना है कि जो राइबोसोम के दोनों स्ट्रक्चर है वो मैग्नेट से चिपके होते हैं मैग्नेट से चिपके होते हैं ठीक है मोबाइल एलिमेंट्स में पहले बता चुकी हूँ पोटेशियम नाइट्रोजन मैग्नीशियम और इन मोबाइल में क्या है काश मैं भी मोबाइल होता काश मैं भी मूव कर पाता सी एस एफ ई सल्फर जो है सल्फेट आयन के रूप में ऑब्जॉर्ब होता है प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड्स कौन कौन से ये नीट का क्वेश्चन है सिस्टीन एंड मेथियोनिन कॉन्टिटेंट ऑफ सेवरल अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है देखो कहाँ कहाँ मिलेगा ये एक तो ये हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलता है नहीं कॉपर uh, और आयरन मिलता है जो भी अपनी वैलेंसी चेंज कर सकते हैं वो अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में मिल जाते हैं तो कॉपर और आयरन पे ये क्वेश्चन आ सकता है बट सल्फर भी मिलता है एफ ई एस वगैरह में सल्फ़र मिलता तो है ठीक है सेवरल को इनजाइम्स वाइटामिन वाइटमिन में मिलते हैं भाई साहब तो ऐसे याद कर लो कि भैया जब तुम वाइटमिन की गोली खाने लगे हो तो लो जी हाथ में सल्फर ही लग गया क्योंकि वाइटमिन का पार्ट है ना सल्फर थायमीन, वाइटामिन बी वन बायोटीन वाइटामिन बी सेवन रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट एज कम्पेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रं कंपोनेंट्स ऑफ फेरीडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कैटलेज uh, इन्जाइम को एक्टिवेट करता है कैसे याद कर सकते हैं कैटल के गले में आयरन की चेन इस तरीके से याद कर सकते हो असेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल ठीक है मैंगनीज मैंगनीज का यार मनकल से याद करो मनकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बार बार ये क्वेश्चन आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू रिलीज ओ टू जिंक क्या है कार्बोक्सीज को एक्टिवेट करता है ऑक्सीजन सिंथेसिस में काम आता है कॉपर क्या करता है रिडॉक्स रिएक्शंस में मिलता है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलता है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलता है आपको बोरोन क्या करता है कहीं पर भी आपको बोर करना है छेद करना है बोर करते हैं ना छेद करते हैं तो कहीं पे भी लंबा सा छेद करना है उसके लिए बोरोन है जैसे कि पोलन जर्मिनेशन कराता है पोलन जर्मिनेशन के लिए छेद करना पड़ता होगा बोरोन को है ना तभी तो वो जर्मिनेट करके नीचे इतनी लंबी ट्यूब बनती है रिक्वायर्ड फॉर अपटे रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाईजेशन ऑफ कैल्शियम आयन तो कैल्शियम को ऊपर लेने के लिए छेद किया होगा मतलब याद करने का तरीका ऑफकोर्स छेद थोड़े भी करता है घूमता ही हर जगह बट वी रिमेम्बर इट लाइक दैट ओके इन पोलन जर्मिनेशन इन मेम्ब्रेन फंक्शनिंग ठीक है बोर हो रहा था ज्यादा सोच रहा था कि चलो मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग करा देता हूँ इन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन अब कार्बोहाइड्रेट को मूव कराना है तो उसके लिए भी रास्ता चाहिए तो बोर कर करके रास्ता बना दिया होगा उसने देन मोलीबिडनम एमोफी मैंने बता दिया नाइट्रोजनियस और नाइट्रेट रिडक्टेस का पार्ट होता है क्लोराइड आयन हेल्प इन एनाइन कैटाइन बैलेंस ऑफ सेल असेंशन इन वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन अगर उससे नीचे करोगे अगर उससे नीचे कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो आपको डेफिशंसी सिम्टम्स आने लग जाएंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स आप पढ़ोगे चार क्लोरोसिस नेक्रोसिस इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिलेड फ्लावरिंग जब क्लोरोसिस होगा ठीक है मतलब पीला पीलापन खत्म हो गया तो आप इसको मोंग के पीले दांतों से याद रखोगे मोंक मांगे मंजन फिर से मोंक मोलिबिडनम नाइट्रोजन पोटेशियम मांगे मैग्नीशियम मंजन एम एन जेड एन फिर से आयरन सल्फर क्योंकि मोंग के दांत पीले थे तो फिर वो बार बार मंजन मांगता रहता था मोंग मांगे मंजन फिर से तो कितने हो गए एमओ एन के मांगे मन जन फिर से आठ हो गए याद रख लेना इसको ठीक है नेक्रोसिस टिश्यू डेथ तो टिश्यू डेथ कैसे होगी कुक ने इतना गंदा खाना बनाया तो उसका खाना खा के टिश्यू की डेथ हो गई तो हमें याद करना है कुक का मैजिक कुक कॉपर पोटेशियम का कैल्शियम मैजिक एम जी ठीक है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन देखो सेल डिवीजन हो रहा था वहाँ पे किसी ने सिगरेट का धुआं छोड़ दिया तो वो सेल डिवीजन ही नहीं हो पाया तो आपको याद रखना है नो स्मोकिंग नो से नाइट्रोजन स्मोकिंग से एस एम ओ के मतलब सल्फर मोलिडनम एंड पोटेशियम डिलेड फ्लावरिंग आ का, आपका आएगा स्लो मोशन में फ्लावरिंग हो रही है स्लो से कुछ नहीं बनेगा मोशन से बनेगा एम ओ एस एन टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपका दस परसेंट तक वेट गिर जाए जो टिश्यू का वेट है वो दस परसेंट तक गिर जाए उससे ज्यादा गिर जाए तो उसको टॉक्सिकेशन टेन परसेंट होती हैं और ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उसके बीच बीच में तो हमें लगता है कि मैंगनीज ज्यादा हो गया उसकी टॉक्सिक टॉक्सिसिटी के ये सिम्टम्स है लेकिन होता ये नहीं है होता ये कि ये एक्चुअली अपटेक रोक देता है मैग्नीशियम की और क्या कहते हैं आयरन की और कैल्शियम की तो ये उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं बेसिकली तो इसको याद कैसे करेंगे मैंगनीज ने मैग्नीशियम को फीका कर दिया ठीक है तो मैंगनीज जब बढ़ा तो इसने मैग्नीशियम का अपटेक रोक दिया आयरन का अपटेक रोक दिया कैल्शियम का अपटेक रोक दिया नाइट्रोजन साइकिल पे चलते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स इन विच नाइट्रोजन सर्कुलेट्स बिटवीन एटमोस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखो एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन जब N2 जो होता है उसका ट्रिपल बॉन्ड टूट के जब आप NH3 बनाते हो ठीक है चाहे वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हो बैक्टीरिया के हेल्प से हो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो ठीक है तो आप इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हो बेसिकली इस स्टेप को ठीक है फिर जब आप इसका नाइट्राइट बनाते हो फिर आप उसका नाइट्रेट बनाते हो तो इसको आप नाइट्रिफिकेशन बोलते हो नाइट्रिफिकेशन का जो पहला स्टेप है वो नाइट्रो नाइट्रोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रो मोनास, नाइट्रोकोकस से ये वाला स्टेप होएगा, और ये बी, बीच तो ये ए है ये बी है तो बी वाला बी में आएगा नाइट्रोबैक्टर ये ये दोनों ये सारे के सारे जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ठीक है थेके? तो जब ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट्स जो है इसका अपटेक कर लेते हैं ठीक है प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते तो ये नाइट्रोजन एनिमल्स में चला जाता है प्लांट्स और एनिमल्स uh, जब जब इनकी डेथ होती है तो इनकी जो डिकेइंग बायोमास है उस पर बैक्टीरिया एक्ट करके उसको फिर से एनए में कन्वर्ट कर देते हैं इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं इसके लिए कोई भी बैक्टीरिया uh, आपके एनसीआर में नहीं दिया हुआ है देन फिक्स करी कराई नाइट्रोजन को एनओ में कन्वर्ट करने के बाद भी कुछ बैक्टीरिया वापस एन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको डी बोलते हैं ठीक है डी आपको याद करना है पीटी डिनाई से सूडोमोनास थायोबैलेस बैसिलस सूडो मोनास थायो से डिनाइट्रिफिकेशन हो जाती है ठीक है आगे चलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार से होती है या तो फ्री लिविंग से या तो सिम्बायोटिक से अगर फ्री लिविंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है मतलब कि आपके एन को एन एच में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एरोबिक भी हो सकता है बैक्टीरिया वो एनारोबिक भी हो सकता है अगर वो एरोबिक है तो उसकी लिस्ट अपने को याद करनी है ए बी से याद करना है ए बी से ठीक है मुझे याद रहता है ए बी से तुम लोगों को पता नहीं याद रहेगा नहीं एक और इसमें ऐड कर लेते हैं एजो स्पाइरिलम एजोटोबैक्टर बीजरनीकिया एंड पूरा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है नॉस्टॉक एनाबीना और ऑसिलेटोरिया ऑसिलेटोरिया ठीक है एनरोबिक में आप पढ़ते अगर आप आते हो सिंबायोटिक में सिंबायोटिक तो हो या नॉन लेग्युनस प्लांट के साथ सिंबायोटिक हो सिंबायोटिक हो, तो हो, हो, तो हो और फ्रेंकिया जो है वो अलनस के साथ सिंबायोसिस में होता है देन आप नोड्यूल फॉर्मेशन के स्टेप्स पढ़ते हो पहले जो रूट का हेयर है ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है इन केमिकल्स मतलब ये बेसिकली केमिकल इन्विटेशन है बैक्टीरिया के लिए अब आ, बैक्टीरिया इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा मान लो ये बैक्टीरिया है ये अट्रैक्ट होगा ठीक है सो राइजोबियम अटैच टू रूट हेयर सेल्स ठीक है तो ये आके यहाँ पे आ गया इससे रूट हेयर सेल जो है जैसे इनके पास आते हैं कर्ल हो जाता है रूट हेयर सेल ऐसे ठीक है कर्लिंग हो जाती है दूसरा स्टेप कर्ल होने के बाद यहाँ से इन्फेक्शन थ्रेड बनता है जिससे कि बैक्टीरिया अंदर घुस सकता है यहाँ से

कि कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी रिलीज होती है साथ में नाइट्रोजन इज सेंसिटिव टू ओटो तो जो नोड्यूल है उसके अंदर पूरा एनरोबिक इन्वायरमेंट बना रहता है क्योंकि नाइट्रोजन इज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर पाता तो इसको एनारोबिक कौन बनाता है लेग हीमोग्लोबिन ठीक है जो कि ऑक्सीजन को कैप्चर करता है जो पिंक कलर का होता है इसलिए नोड्यूल्स पिंक कलर की होती हैं देन

ग्लूटामिक एसिड ट्रांसमिनेशन में क्या होता है आपने एसिड लिया ठीक है और आपने एक अमाइनो एक्सेप्टर ले लिया तो आप यहाँ से अमाइनो ग्रुप उठा के इसके ऊपर डाल दोगे तो आप एक नया अमाइनो एसिड बना सकते हो ठीक है एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है मेरी एनसीईआरटी का है कोई कोई एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ के बता देते हैं पेज नंबर <coughs> बस ये दिया हुआ यहाँ पे कीटो एसिड दिया हुआ है जो अमाइनो एक्सेप्टर है ना तो कीटो एसिड बोला हुआ है so, सो इसको कीटो एसिड भी बोल सकती हूँ मैं तो बेसिकली जो अमाइनो डोनर होता है वो जनरली ग्लूटामेट होता है ठीक है तो ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप कीटो एसिड को दे देता है और यहाँ पे एक नया अमाइनो एसिड बना लेता है देन अगली बात आ, कभी कभी डायरेक्टली अमाइनो एसिड में ट्रांसपोर्ट होने के बजाय अमाइड्स के रूप में भी ट्रांसपोर्ट होती है जायलम से ऊपर नाइट्रोजन तो उसमें क्या होता है एक और एन एच फोर ग्रुप लग जाता है अमाइनो एसिड को तो देखो इसकी नाइट्रोजन कंटेंट कितनी ज़्यादा है सी यहाँ पे भी एन एच टू यहाँ पे भी एन एच टू ठीक है बेसिकली सी ओ एच होता है ना उसको यहाँ से हटा के एन एच टू लग जाता है अमाइड बन जाता है सी ओ एन एच टू ही तो अमाइड ग्रुप है ठीक है और फिर वो जाइलम से ऊपर चला जाता है अमाइड्स के एग्जाम्पल एस्पैराजिन ग्लूटामिन है यूरियाइड्स क्या होता है समटाइम्स नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट जैसे कि सोयाबीन यूरियाइड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ अमाइनो एसिड्स ठीक है acids, जिसमें हाई नाइट्रोजन टू कार्बन की रेशियो है हैं जी चले आगे कुछ फायदा हो रहा है इतनी तेज़ तेज रिवीजन का और फास्ट करूं और फास्ट करूं पागल हो गए हैं बच्चे

दूसरा एक्सपेरिमेंट था ये वाला एक्सपेरिमेंट था कि भैया जब बर्निंग कैंडल रखी तो चूहा मर गया ठीक है क्योंकि ऑक्सीजन सारी यूज हो गई लेकिन जब एक मिंट प्लांट साथ में रख दिया तो ना चूहा मरा ना कैंडल जो है वो जलती हुई बंद हुई क्योंकि मिंट प्लांट ने कुछ वो रिप्लेस कर दिया जो कि इन्होंने खा लिया था यूज कर लिया था जो इन्होंने जान इंजन हाउसेस को हमने इंजन से याद किया 1 मिनट तो भैया उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसने कहा था कि भैया एक वाटर प्लांट ले लो उसको आधे को सनलाइट में रख लो आधे को डार्क रख लो तो सिर्फ सनलाइट वाले एरिया में फोटोसिंथेसिस होगा वो कैसे पता चला था क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे गैस के बबल्स आ गए थे बाद में पता चला ये गैस के बबल्स किसी और गैस के नहीं ये ऑक्सीजन के हैं देन जूलियन वॉन सैक्स ने क्या कहा था ग्लूकोज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टार्च के रूप में स्टोर होता है और जो ग्रीन सब्सटेंस होता है क्लोरो फिल जो होता है वो लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज होता है क्लोरोप्लास्ट में अगला टी डब्ल्यू एंगल मैन मेरे को शोर आ रहा है मत करो तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अभी सबको अभी आना है ना ऑफिस में लोगों के आने का टाइम हो रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है ठीक है टी डब्ल्यू एंगल मैन ने क्या किया था लाइट को एक एंगल में तोड़ दिया था उसने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था uh, उसने क्या कहा था कि ब्लू एंड रेड लाइट जो है वो बेस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐसे उसने व्हाइट लाइट ली उसको प्रिज्म से तोड़ दिया उसने देखा उसने एक पहले एक्वाटिक प्लांट ले लिया क्लाडोफोरा फिर उसने देखा कि ब्लू लाइट में और रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसने उसने कैसे डिसाइड किया ना ऑक्सीजन तो ही यहीं पे थी अगला है नील। नील मतलब पानी नीला नीला, नीला पानी ठीक है उसने कहा कि हाइड्रोजन फॉर्म सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रेड्यूसो टू ग्लूकोज मतलब बेसिकली जो वाटर है वो हाइड्रोजन डोनर है ठीक है और वाटर का जो ओ है वो ऑक्सीजन गैस के रूप में उड़ जाता है ठीक है इन ग्रीन प्लांट्स हाइड्रोजन डोनर इज एच टू ओ विच इज ऑक्सीडाइज टू ओ टू लेकिन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या है एच टू एस इज द डोनर जिससे कि सल्फर रिलीज हो रहा है बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा है नाउ टाइप ऑफ पिगमेंट्स की बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो गए क्लोरोफिल ए जो मोस्ट अबंडेंट है वो ब्लू ग्रीन कलर का है मतलब बहुत डार्क है क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर का है जैंथोफिल्स जो है वो येलो है और कैरेटोनॉइड जो है वो येलो टू येलो ऑरेंज है जैसे कि कैरेट का कलर होता है तो अगर हम एब्जॉप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो आप देखोगे सो दिस इज वट फोर हंड्रेड एन एम पा रही है, 400 ये फोर हंड्रेड से 700 में। ये जो है ये क्लोरोफिल ए है क्लोरोफिल ए मैक्सिमम या तो ब्लू रीजन या तो ग्रीन रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है जो तुम्हें तो कैसे पता चलेगा तो सबसे बाहर वाला है ना मान लो मार्क करने के लिए आ जाए सबसे बाहर वाला क्लोरोफिल ए है बीच वाला क्लोरोफिल बी है और उससे भी अंदर वाला और नालायक केरोटिनॉइड है इस तरीके से याद करना है देन ये हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस या तो यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे हो रही है फिर हमने दोनों को ओवरलैप कर दिया तो हमें पता चला कि जहाँ पे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है वहीं पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है दैट मीनस इट इज द मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के मेन स्टेप्स पे आ जाओ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रैना में होता है इट प्रोड्यूस ए टी पी एन ए डी पी एच ऑल्सो ऑक्सीजन भी यही प्रोड्यूस करता है एंड बाई कैप्चरिंग द सन लाइट बाई क्लोरोफिल जो ए टी पी और एन ए डी पी एच यहाँ पे बनता है वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है जो कि स्ट्रोमा में होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सीओ टू यूजिंग ए टी पी एंड एन ए डी पी एच फ्रॉम द लाइट रिएक्शन देन अगर हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की शक्ल देख लेते हैं ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन है जिनमें कुछ नहीं लगा हुआ ठीक है देन यहाँ पे ये यह स्ट्रोमा है ये वाला स्ट्रोमा है जहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रहा है देन दिस इज ग्रैना जैसे कॉइन्स लेयर्स में लगे हुए हैं इस पूरी बिल्डिंग को ग्रैना बोलते हैं अगर इसकी एक सिंगल स्टोरी उठा लें तो उसको थैलाकॉइड बोलते हैं थैलाकॉइड के अंदर या ग्रैना के अंदर हमारा लाइट रिएक्शन होता है देन स्ट्रोमा लेमिली ये वाला है यहाँ पर भी लाइट रिएक्शन होता है ठीक है और इसमें जब हम वो बात करेंगे फो फोटोफॉस्फोराइलेशन तो इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होती है वो पे पे होती है। यहाँ पे होती है है साइक्लिक बस मैं इतना लिख रही हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पीएस वन मिलेगा लैमेली में जो यहाँ पे थेड में यहां पर पीएस टू पी एस वन दोनों मिलेगा तो यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉसफ्रेशन होती है यहाँ पे नॉन साइक्लिक होती है ठीक है देन एनसीआरटी में कुछ और चीज दी हुई है छोटे छोटे दाने दाने से दिए हैं उनको राइबोजोम बोला हुआ है ठीक है बड़े बड़े थोड़े ऐसे दिए हुए स्टार चिज बोला हुआ है और लिपिड ड्रॉपलेट्स भी बीच में बनाई हुई है देन लाइट रिएक्शन में क्या होता है पहले तो आपके पिगमेंट्स हमको अरेंज करने पड़ेंगे पिगमेंट्स कहाँ पड़े होते हैं थैलाकॉइड की मेब्रेन में पड़े होते हैं मेमब्रेन में ऐसी ऐसे नहीं पड़े होते हैं लेट गए हैं प्रॉपर यूनिट्स में पड़े हुए हैं तो उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं फोटोसिस्टम्स फोटो सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेंटर वाला जो पार्ट है उसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं और जो साइड वाला पार्ट है उसको एल एच सी या एंटीना बोलते हैं रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का सिर्फ एक मॉलिक्यूल पड़ा होता है ठीक है और ऊपर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर पड़ा होता है और जो यहाँ पे जो ये वाले एंटीना है इनमें बाकी सारे पिगमेंट्स पड़े होते हैं तो दो प्रकार के फोटो सिस्टम है फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम वन पहले डिस्कवर हो गया था ठीक है क्लोरोफिल ए हैज द जो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल है उसका पी सेवन हंड्रेड पीक है मतलब सेवन हंड्रेड एन एम पे मैक्सिमम एब्जॉपशन है क्लोरोफिल टू जो पी एस टू है सॉरी क्लोरोफिल टू नहीं पी एस टू जो है उसका मैक्सिमम एब्जॉपन सिक्स एटी एन एम पे है ठीक है क्लोरोफिल ए हैज द एब्जॉर्प्शन पीक एट सिक्स एटी एन एम तो मतलब ये रिएक्शन सेंटर की क्लोरोफिल ए की बात हो रही है रिएक्शन सेंटर की बात हो रही है ठीक है अब ये हमारे पास क्या है दिस इज अ थैलाकॉइड ये थैलाकॉइड की मेब्रेन है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज चल रहा है या जेड स्कीम भी बोलते हैं इसको यहाँ से यहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाते हैं यहाँ से आ जाता है जेड स्कीम बोलते हैं पहले पी एस टू लगा होता है या फिर यहाँ पे पी एस वन लगा होता है पहले सन की रोशनी जो है वो पी एस टू को स्टिमुलेट करती है और इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने प्राइमरी एक्सेप्टर को दे देता है वहाँ से जाता है प्लास्टोक्विन के पास वहाँ से साइडोक्रोम बिक्स एफ के पास वहाँ से प्लास्टोसियान के पास कैसे याद करेंगे सियाना बंदा बाद में होता है पहले ही नहीं सियाना कर देना है प्लास्टोक्विन साइडोक्रोम बी सिक्स एफ प्लास्टो फिर वहाँ से ये जाता है पीएस के पास तो पी जो है पी के इलेक्ट्रॉन खा रहा है ठीक है क्लोरोफिल ने यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया फिर वहाँ पे प्राइमरी एक्सेटर के पास गया फिर वहाँ से फेरिडॉक्सिन के पास गया फेरिडॉक्सिन से ये गया यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में जहाँ पे एन ए रिडक्टेज नाम का एंजाइम लगा हुआ है यहाँ पे एन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जो पेरिडॉक्सिन को दिया प्लस एक एच पॉजिटिव एक्सेप्ट किया और यहाँ पे एन बना लिया विच इज अ रिड्यूसिंग पावर विच इज अ रिड्यूसिंग पावर ठीक है अब इसका तो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो गया यहाँ से लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कौन रिप्लेस करेगा इसका इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करेगा वाटर विच इज गेटिंग स्प्लिट इन द ल्यूमिन ल्यूमिन ऑफ द थैलोकॉइड यहाँ पे वाटर टूट रहा है मनकल की प्रेजेंस में एम की प्रेजेंस में एच पॉजिटिव बन रहा है इलेक्ट्रॉन बन रहे है इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है प्लस ओटू ये ओटू आवारा है बाहर निकल जा रही है ठीक है ये एच पॉजिटिव यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा बिकॉज इट इज़ हाईली इम्पर्मीएबल ऑल्सो जब साइटोक्रोम बी सिक्स एफ से इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन एन, की एनर्जी लूज हो रही होती है उस एनर्जी को लूज वाली एनर्जी का फायदा उठा के एक एच पॉजिटिव यहाँ से यहाँ निकल आता है ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारे एच पॉजिटिव भर गए कुछ तो वाटर के बन गए कुछ यहाँ से आ गए ठीक है प्लस यहाँ पे एच पॉजिटिव कंप्लीटली ख़त्म होते जा रहे हैं क्यों क्योंकि एन इनको लेता जा रहा है तो बेसिकली ग्रेडियंट आ गया यहाँ पे ज़्यादा बाहर कम स्ट्रोमा में कम अंदर ल्यूमिन में ज़्यादा फिर हमने क्या यहाँ पे लगा दिया एफ नॉट एफ वन पार्टिकल लगा दिया हमने जिसके बीच में से तेजी से हाइड्रोज हाइड्रोजन आयन निकला ठीक है और जो एफ वन पार्टिकल है वो एटीपी टी पी सिंथेजाइम है जब जब यहाँ से निकलता है तो यहाँ से एक ए डी पी जो है ए टी पी में कन्वर्ट होता है इसी को जेड स्कीम बोलते हैं जेड स्कीम इसी को नॉन साइकिलिकोटोफॉस्फॉरिशन बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला उसको कभी वापस ही नहीं मिला कहीं और ही चला गया नॉन साइक्लिक है नॉन साइक्लिक के प्रोडक्ट्स क्या है एन ए डी पी एच भी बनता है और यहाँ पे ए टी पी भी बनता है और यहाँ पे ओटो भी बनता है

द कैल्विन साइकिल मतलब हम डार्क रिएक्शन पे आ चुके ये सभी प्लांट्स में मिलता है चाहे कोई सी फोर प्लांट हो चाहे कोई सी थ्री प्लांट हो ये हर एक प्लांट में मिलेगा इट अकर्स इन ऑल प्लांट्स ये बात ध्यान रखनी है इसको डिस्कवर किसने किया था कैलविन ने ठीक है किस में डिस्कवर किया था एलगल फोटोसिंथेसिस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है देख लेना है ठीक है तो यहां पे क्या होता है जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो आरयूबीपी होता है ठीक है सो फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन सेकेंड इज रिडक्शन थर्ड इज रीजनरेशन सो पहले स्टेप में जिसमें कार्बोक्सिलेशन uh, होती है वो मोस्ट क्रूशल स्टेप है इसमें सी ओ टू और वाटर जो है वो आर यू बी पी वन फाइव बिस्फॉस्फेट के साथ लग जाता है विच इज अ फाइव कार्बन कंपाउंड ठीक है तो यहाँ से एक और कार्बन आ गया तो बेसिकली सिक्स कार्बन हो गए जो कि तीन तीन कार्बन के दो कंपाउंड्स में टूट जाता है थ्री पी जी है ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है

तब जाके एक ग्लूकोज बन पाता है तो बेटा एक साइकिल में दो ए टीपी तीन ए टीपी तो में अठारह एटीपी एक साइकिल में दो एन ए डी पी एच लगे तो छह साइकिल में बारह तो ये वाली ये, ये चीज याद रख लेनी है लें छो से एक ग्लूकोज अठारह एटीपी से अठारह एडीपी हाँ अठारह ए टीपी यूज हो गए और बारह एनएडीपीएच से बारह एनएडीपी यूज हो गए तो दिस इज नॉट एन एनर्जी सोर्स

से सीओ टू बाइंड करना चाहिए वो ओ टू बाइंड कर जाती है इन प्रेजेंस ऑफ रोबिस्को एंड ये कुछ अजीब सारी मॉलिक्यूल बनाती है जहाँ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए बनना चाहिए वहाँ एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए एंड एक ग्लाइकोलेट बनता है विच इज द टू कार्बन कम्पाउंड विच देन मूव टू पेरोक्सीजोम देन इट मूव टू माइटोकॉन्ड्रिया तो सी पी एम सीक्वेंस याद रखना है? ठीक है यहाँ से एक सीओ भी लूज कर देता है अच्छी बी फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड को लूज कर दिया एंड देन इट गोज बैक और यहाँ पे ए भी खर्च कर देता है तो इट्स अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस और ये सिर्फ सी थ्री में होता है सी फोर पाथवे हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं इसको ये सिर्फ तीन प्लांट्स में मिलेगा आपको जो आपको लर्न करना है मीस और शुगर केन प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये बहुत बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन क्रांजन एटमी होती है इनमें क्रांजेटमी क्या है बंडल शीत सेल्स आर अरेंज वेरी टाइटली अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स जैसे मेज और स्वरगम में इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के सेल्स होते हैं मीजोफिलर और बंडल शीत सेल ठीक है में प्राइमरी एक्सेप्टेंस ऑफ सीओ टू होती है ठीक है तो सीओ टू जो है वो पेप के साथ लग जाता है जैसे वहां पे आर यू बी पी था यहाँ पे पेप है और पहला सब क्लास बनता है ओ ए ए जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ ओ ए बनता है ओ ए ए जो है पेप के एंजाइम से ये बनता है और एस्टिक एसिड जो कि चार कार्बन का कंपाउंड है इसलिए इसको सी फोर साइकिल बोलते हैं ये फिर आगे फर्दर कन्वर्ट होता है एसपार्टिक मैलिक एसिड में और ये जो है फिर फर्दर बंडल शीत में एंटर कर जाता है बंडल शीत में एसिड एक सीओ टू रिलीज कर देता है डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है और यहाँ पे एसिड वापस चला जाता है और यहां से रीजनरेशन कर लेता है ये जो एक सीओ टू यहां पे निकली है वो बंडल शीत में कैलियन साइकिल चलेगा और यहाँ से ग्लूकोज बनेगी खर्चा देख लेते हैं कितना है कैलविन साइकिल के 18 एटीपी तो है ही है साथ में इसको चलाने के दो एटीपी एक्स्ट्रा लगते हैं दो एटीपी एक्स्ट्रा लगते हैं और ये छह बार चलेगा छह बार चलेगा तब जाके यहाँ पे एक ग्लूकोज बन जाएगी तो मतलब बारह तो मतलब 18 प्लस बारह इज इक्वल टू तो तीस एटीपी 30 एटीपी का खर्चा है सी फोर साइकिल में फैक्टर्स अफेक्टिंग photosynthesis हर साइकिल में दो ही लगते हैं ना जो लेटेस्ट पढ़ाया मैंने जो मैंने लेटेस्ट पढ़ाया है हर साइकिल में दो ही लगते हैं ना मैम देर वुड बी सिक्स पीजी said रॉन्ग इलियास कहाँ पे सिक्स पी तो कहीं पे भी नहीं बनता हम्म थर्टी है थर्टी hmm, है चलो चैप्टर खत्म करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स 1905 में ब्लैकमैन ने दिया था इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमम वैल्यू लाइट पढ़ते हो आप लाइट भैया रेयरली फैक्टर होती है लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर क्यों बिकॉज सैचुरेशन एट टेन परसेंट ऑफ फुल सन लाइट इज यू नो व्हाट इट सो इट अ लिमिटिंग फैक्टर लीनियर रिलेशन होता है लाइट और फोटोसिंथेसिस का ठीक है एंड सी ओ टू फिक्सेशन एट द लो इंटेंसिटी लेवल्स मतलब जब तक लाइट इंटेंसिटी कम है तब तक जब तक जब आप लाइट बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा लीनियर रिलेशनशिप होगा लेकिन अगर हायर लाइट इंटेंसिटी पे चले जाओगे आप फिर वहां पे देखोगे तो भैया वो आप आपका क्लोरोफिल जला भी सकती है तो फोटोसिंथेसिस कम भी हो सकता है हायर लाइट इंटेंसिटी पे एट हायर लाइट इंटेंसिटी रेट डज नॉट शो एनी फर्दर इन चेंज बियॉन्ड अ पॉइंट इट मे कॉज क्लोरोफिल ब्रेक डाउन ये ग्राफ है सी ओ टू कॉन्सेंट्रेशन इज़ अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्योंकि एटमोस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन सी ओ टू की बहुत कम है जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट तो अगर आप इसको जीरो पॉइंट जीरो फाइव तक पुष्ट दोगे तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है सी फोर के लिए ऑब्वियसली सैचुरेशन लेवल कम होगा सी थ्री के लिए ज़्यादा होगा क्योंकि सी फोर अपने बॉडी के अंदर सेचूरेट करना जानता है है ना ओ ए बना के ऑर्गेनिक उसेज टेम्परेचर सी फोर भैया बेटर तरीके से जिंदा रह सकते हैं हाई टेम्परेचर पे क्योंकि वो अपना स्टोमेटा बंद नहीं करते हाई टेम्परेचर पे भी और जो सी थ्री है वो स्टोमेटा बंद कर लेती है और सी फोर टोमेटा बंद भी कर ले तो भी उसका फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तोमेटो तो बंद करते हैं c4 भी, तभी तो वो वाटर बचाते हैं वाटर एफिशिएंसी भी तो ज्यादा है c4 की c4 प्लांट्स शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हायर टेंपरेचर c3 प्लांट्स हैव मच लोअर टेंपरेचर ऑप्टिमम वाटर क्या है वाटर इतना ना बेसिकली डायरेक्टली जो ए, इसमें फोटोसिंथेसिस में यूज होता है उतना वो नहीं इफेक्ट डालता नाइनटी ऑफ द वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो ट्रांसपीरेशन में उड़ जाता है तो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है अगर आपका पानी कम है तो ट्रांसपीरेशन करने के लिए पानी नहीं होगा तो वो स्टोमेटा बंद कर देगी या विल्टिंग हो जाएगी लीफ की वाटर स्ट्रेस कॉजेज स्टोमेटा टू तो क्लोज एंड मेक्स द लीव्स विल्ट चलो बस चलते हैं नेक्स्ट पे आगे चलते रेस्पिरेशन इन प्लांट्स सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो एरोबिक भी हो सकती है मतलब ग्लूकोज का आप ब्रेक डाउन कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी और CO2 बना रहे हो या एनारोबिक भी हो सकती है विदाउट भी आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सकते हो तो मैं यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रही हूं वहां पे किसी भी सेल में चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो ग्लाइकोलोसिस से शुरू होगा जिसमें ग्लूकोज जो है साइटोप्लाजम में पहले पायरोवेट मॉलिक्यूल में टूटेगी दो तो पायरोट में क्योंकि पायरोट में तीन कार्बन होते हैं ग्लूकोज़ में छः कार्बन होते हैं तो दो में टूट जाएगी इस उसमें अरे यार एक मिनट सब आ रहे हैं मुझे देख के हैरान हो रहे हैं कि मैम आज इतनी सुबह पढ़ा रही है देखो यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन भी होगा यहाँ पे एनएडीएच प्रोडक्शन भी होगा जो एटीपी प्रोडक्शन यहाँ पे होता है इसको सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन कहते हैं ठीक है ठीके? जो एनएडीएच से एटीपी बनता है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराशन बोलते हैं ठीक है ठीके? यहाँ पे सब स्टेट लेवल फॉसन बोलते हैं सो so, यहाँ पे एटीपी और एनएडीएच बनेगा ये डी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाएगा ये पायरो फिर एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा जिसको लिंकिंग स्टेप बोलते हैं यहाँ से एक एनएडीएच प्रोड्यूस होता है फिर ये एसिटाइल कोए जो है वो क्रैब साइकिल में जाएगा क्रैप साइकिल में से एटीपी एनएडीएच और एफ एडीएच टू सब निकलेंगे एनएडीएच और एफ ए टू जो है फर्दर अपने एटीपी बनवाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो कि क्रिस्टा में फोल्डेड है इस तरीके से उसमें पड़ी हुई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके घुस जाएंगे वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे और यहाँ से एटीपी बनवा लेंगे एक एनएडीएच जो है वो तीन एटीपी बनाता है एक एफएडीएच जो है वो दो एटीपी बनाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है जब डायरेक्टली ग्लूकोज से पायरुएट जो है बने और वहाँ पे या कोई भी हो चाहे साइकिल भी हो, बने और फिर उस को के पास जाने की जरूरत पड़े अपने इलेक्ट्रॉन गिरवी रखने के लिए और फिर वहां से एटीपी बने तो ऑक्सीडेटिव फॉसफर है क्योंकि एनएडीएच की ऑक्सीडेशन हो रही है अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ऑक्सीडेशन ही हो रही है ना देन ग्लाइकोलिस जो है वो टेन स्टेप रिएक्शन है इसको ई एम पी पाथवे भी कहते हैं एमडन मेयरहूफ और पारनास ने इसको डिस्कवर किया था ग्लूकोज को पायरोट में कन्वर्ट करता है ठीक है तो इसके दस स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं और कहाँ पे क्या बनेगा ये भी हमें देखना है इसमें एक ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज होता है वो है एनएडी एनएडी जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन छीन रहा है ठीक है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज हो रहा ग्लूकोज जो है आ, क्या कहते हैं सबसे पहले ग्लूकोज सिक्सफेट में कन्वर्ट हो जाता है पहले जो है पहले वाले जो रिएक्शन है वो ए देखो फिर से गलत बना हुआ मैंने ये चीजें ठीक नहीं करी तो बार यहाँ बना देती हूँ ग्लूकोज जो है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बना देता है वहां से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनता है वहां से फ्रक्टोज वन सिक्स बेस फॉस्फेट बन जाता है ये स्टेप्स है शुरू में ठीक है तो पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा जो पहला स्टेप है वो हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम से होता है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पहले में खर्चा है यहाँ पे आपको एक एटीपी खर्च करना पड़ता है ठीक है फिर दूसरे में कोई खर्चा नहीं है क्योंकि आईसोमरी आइसोमर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है लेकिन फ्रक्टोज में जब एक और बिस्फॉस्पेट लगाना है तो यहाँ पे भी एक खर्चा करो एक ए टी पी यहाँ पे खर्चा कर दो ठीक है सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में खर्चा है देन आइसोमर वाले स्टेप में खर्चा नहीं है फिर जो थर्ड स्टेप है उसमें फिर से खर्चा है फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फॉस्फेट दो पार्ट्स में टूट जाएगा तीन तीन कार्बन के ठीक है जिनको दोनों को ही हम ट्रायोस फॉस्फेट बोलते हैं क्योंकि तीन कार्बन है और एक फास्फोरस उसके साथ लगा हुआ है लेकिन आप इनके अलग नाम भी करोगे ठीक है यहाँ पे एल डी हाइड एग्लिस एल डी थ्री फॉस्फेट पी पागल एंड यहाँ पे कीटोन है डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट ठीक है ढाप अब ये ढाप भी धीरे धीरे इसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं ये कह सकती हूँ कि पीजीएल के दो मॉलिक्यूल्स बन गए हैं अब देखो इसके नीचे के स्टेप्स कैसे याद रखने हैं अब नुकसान तो हमारा हो गया दो ए खर्च हो गए अब यहाँ से सब कुछ ट्वाइस हो जाएगा ठीक है यहाँ से ट्वाइस हो जाएगा अब देखो कैसे याद करना है पहले स्टेप में फायदा कर लो दूसरे स्टेप में भी फायदा कर लो फिर थोड़ा सा थक गए रुक जाओ तीसरे चौथे स्टेप में रुक जाओ फिर लास्ट स्टेप में फिर फायदा कर लो ठीक तो है तो ये जो ग्लिसरेल्डी है एल देखो ऑक्सीडेशन होनी है ग्लूकोज की धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो रही है तो जो एल है वो उसमें कन्वर्ट होएगा एसिड में कन्वर्ट होएगा तो यहाँ पे एक एन जो एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो एल है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है अब क्योंकि ये ट्वाइस है तो ये यह यहाँ पे एन भी ट्वाइस बनेगा वन बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड ठीक है अब जो एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा लिया उसको लूज कर दो यहाँ पे एक एटीपी बना दो थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इससे कुछ नहीं बन रहा टू फॉस्फो से पीईएफ वाटर e. बन रहा है पीईएफ e. से फाइनल जब पाइरूवेट होता है तो वहां से फिर से एटीपी बनता है नेट क्या आ गया पहले दो एटीपी खर्च हुए पहले दो एटीपी खर्च हुए फिर चार एटीपी बने फिर दो एन ए डीएच बने जो है वो रिड्यूसिंग सोर्स नहीं है एनएडीएच जो है वो रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग सोर्स नहीं है वो हाई एनर्जी कंपाउंड है जो कि आगे जाके ए टीपी को जन्म देगा सो so, आपके पास नेट क्या आ गया आपके पास नेट क्या यहाँ से दो ए टीपी से दो ए टीपी कट गए दो ए टीपी नेट आ गया और दो एनएडीएच नेट आ गया अगर दो एन से बताओ तो छ एटीपी निकल गए तो टोटल तो में आठ ए टीपी बनेंगे आगे जाके अगर ईटीसी को भी काउंट कर लो तो ये दो पायरोट जो है वो अंदर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ठीक है अब मैं एक पायरोट की स्टोरी बताती हूँ फिर डबल कर लेंगे पायरोट अंदर जाता है यहाँ से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है एक सी ओ टू यहाँ से रिलीज हो जाती है पायरोट में तीन कार्बन है एसिटाइल कोए में सिर्फ दो ही बचते हैं ठीक है यहां पे भी एक एन बनेगा और एंजाइम लगेगा पायरोट डीहाइड्रोजिनेज जो कि मैग्नीशियम की, की प्रेजेंस में एक्ट करेगा ये लिंकिंग स्टेप है देन जो एसिटाइल को है कोए ए है वो लग जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर के साथ इसका ओ ए ए प्राइमरी एक्सेप्टर है ये सी फोर का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है सी फोर में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट था वो यहाँ का प्राइमरी एक्सेप्टर है ठीक है की क्रेब साइकिल रेस्पिरेशन की बात है ठीक है थेके? जो फोटो सिंथेसिस फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट है वो यहाँ का प्राइमरी एक्सेप्टर है ठीक है तो ओ ए ने जो है इसको हमने कैसे याद किया था समोसा काटो स मो सा काटो समोसा काटो

सीओ टू निकालोगे एक एन ए डी एच बना लो तो एक एन ए डी एच इधर बना लो एक एन एडीएच इधर बना लो फिर सक्सीनाइल को सक्सीनाइल को ए को आपने एक और एस में कन्वर्ट कर देना है सक्सीनेट बट दिस इज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल स्टेप एक छोटा सा जी टी पी बनता है यहाँ पे और वो जी टी पी फिर ए टी पी में कन्वर्ट हो जाता है तो सिर्फ एक ही आ, सबस्ट्रेट लेवल ए टीपी बन रहा है वो इस स्टेप में है सक्सेसफुल स्टेप में फिर सक्सीनेट से दो एफ की चीजें निकलती हैं एक एफ एडीएच टू एक फ्यूमारिक एसिड फ्यूमारिक एसिड से मैलेट मैलेट से ओ ए फिर से यहाँ पे एक NADH बना लो बहती गंगा में हाथ धो लो तो टोटल कितने हो गए टीसी साइकिल भी बोलते हैं इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड में तीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं एक एसिटाइल कोए जो है वो दो कार्बन डाइऑक्साइड में धुआं हो गया तीन NADH बन गए एक FADH एक ATP डायरेक्ट बन गया 12 ATP एक एसिटाइल कोए से 12 एटीपी दो एसिटाइल कोए से 24 एटीपी लिंकिंग स्टेप से दो एनएडीएच अगर दो की बात करें तो ठीक है छः हो गए तीस हो गया टोटल और आठ आपके वहाँ पे थे ग्लाइकोलाइसिस में 38 एटीपी देखो कैलकुलेशन कैसे है ग्लाइकोलाइसिस के आठ एटीपी दो एटीपी सबस्ट्रेट लेवल के और छह एटीपी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिंकिंग स्टेप के दो एनएडीएच साइकिल के चौबीस डबल कर दिया ना सब कुछ थर्टी एट एक ग्लूकोज का इसी ग्लूकोज को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में आपने अगर सी थ्री प्लांट है तो आपने अठारह एटीपी खोए थे लेकिन अठारह की जगह आपको थर्टी एट मिल रहे हैं तो बहुत फायदे का सौदा है लेकिन सी फोर को थोड़ा महंगा पड़ रहा है सी फोर को थर्टी एटीपी खर्च करके थर्टी एट ए मिल रहे हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अल्टीमेटली जो NADH और एफ टू बनेंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जाएंगे जहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और वहाँ से फिर हम ATP बनाएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराशन से टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम एन ए एंड एफ एडी टू टू फ्राम प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है इसके चार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं अच्छा डायग्राम नहीं है क्या इसका हमारे पास कोई बात नहीं अभी इसे से रिवाइज करा रही हूं मैं बना के नहीं बताऊंगी चार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं पहला कॉम्प्लेक्स होता है एनएडीएच डीहाइड्रोजनिसक्सीड डीहाइड्रोजनिस तीसरा होता है साइटोक्रोम बी सी वन चौथा होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज और पांचवा होता है एटीपी सिंथेस अगर आप बात करते हो यहाँ पे क्या हो रहा है तो जो वन है एनएडीएच के इलेक्ट्रॉन लेता है FMN को देता है, फिर आगे FES को देता है। जो टू है, 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 जो देखो ये वन है, ये वन है, ये टू है, ये बीच में थ्री है ठीक है तो यहाँ पे ये सक्सीनेट है, सक्सीनेट जो है फ्यूमारेट बनाता है यहाँ पे एफ रहा वो इलेक्ट्रॉन आगे देता है फिर एफ एस को देता है ठीक है यहां से भी एफ एस यहां से भी एफ एस ये फिर किनोन को इलेक्ट्रॉन देते है किनोन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक हाइड्रोजन भी पकड़ लेता है और हाइड्रोजन जो है वो मेट्रिक्स से मेट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पास कर देते हैं अरे यार बना ही देती हूँ मैं मेरे को चैन तो मिलेगा नहीं बिना बनाए ये आउटर है ये इनर मेम्ब्रेन है ठीक है ये मैट्रिक्स है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वन है कॉम्प्लेक्स वन क्या करता है एन टू से इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए ठीक है एफएमएन को दिए ठीक है मैं एक्स लिख रही हूँ यहाँ पे एफ को दिए ये जैसे ये थोड़ा चौड़ी बनानी पड़ेगी मेम्ब्रेन अपने को ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ये यूबी को दे देता है सिमिलरली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टू जहाँ पे सक्सी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ए टू को दे रहा है तो यहाँ पे एफ ए डी आ गया फिर यहाँ पे एफ ई एस आ गया फिर एफ ई एस से आगे यूबी क्यूनोन बड़ा हरामी किस का है जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ से ये एक एच पॉजिटिव भी लेता है और इसको यहाँ से यहाँ क्रॉस कराता है यहाँ से यहाँ क्रॉस कराता है मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं क्रॉस कराता कॉम्प्लेक्स थ्री के उससे क्रॉस कराता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थ्री है बी सी वन तो ये पहले इसको पकड़ता है हाइड्रोजन को यहाँ पकड़ता है फिर इसके थ्रू क्रॉस कराता है ऐसे क्रॉस कराता है और इलेक्ट्रॉन पे लेता ले है साइटोक्रोम बी को फिर सी वन को ठीक है बी को फिर एफ एस को फिर सी को फिर सी जो है साइटोक्रोम सी जो है वो मोबाइल होता है वो यहाँ पे लेके आता है ठीक है फोर के पास इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया यहां से भी इलेक्ट्रॉन आए यहां से भी इलेक्ट्रॉन आए बी फंस गई सी1 में ऐसे याद किया था हमने बी के पास फिर क्रेपीज के पास फिर सी1 के पास फिर वहां से साइटोक्रोम सी के पास जो कि एक मोबाइल कैरियर है साइटोक्रोम सी जो इसको लेके आए कॉम्प्लेक्स 4 के पास साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के पास जो वहां पे इसने पहले दिया साइटोक्रोम ए को फिर ए3 को फिर सीयू को इससे भी एक हाइड्रोजन उधर चला गया यहाँ पे हाइड्रोजन भर गया फिर कॉम्प्लेक्स फाइव से ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकल के आगे फाइव क्या है F1 particle, F1 particle जो है अल्टीमेट हाइड्रोजन एक्सेप्टर हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं सॉरी अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है यहाँ पे मेरा ना डिटेल में पढ़ाने का मन कर जाता है मुझे लगता है तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा समझ में आ गया ना यहां से इलेक्ट्रॉन आए यहां से इलेक्ट्रॉन आए इधर बीच वाले के पास चला गया थर्ड के पास थर्ड से फोर्थ के पास आया फोर्थ से ऑक्सीजन ने ले लिया ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हाइड्रोजन यहाँ पे भरे थे इंटरमेम स्पेस में वो यहां से निकल गए एफ नॉट एफ पार्टिकल से निकल गए यहाँ पे

सिमिलरली लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी कैटाबलिज्म हो सकता है लिपिड तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं ग्लिसरॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीजीएल फैटी एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एस्टाइल को सिमिलरली वेरियस अमाइनो एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पायरोट इनटू एसिटाइल कोए इनटू इंटू साइकिल सो हमें लगता है कि ये कैटाबोलिज्म है लेकिन अगर मान लो हमें किसी लिपिड की जरूरत है तो यहाँ से पीजीएल ग्लिसरॉल में भी कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ से एसिटाइल को फैटी एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा और ये लिपिड भी बना देंगे तभी ये डबल एरो है लीअर फॉर इट्स एन एम्फीबॉलिक पाथवे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है सी ओ टू इवॉल्वर ठीक है सो उसको आरक्यू बोलते हैं आरक्यू जो कार्बोहाइड्रेट का, है, fat, tri का है और प्रोटीन का पॉइंट नाइन है फर्मेंटेशन यानी कि एनरोबिक रेस्पिरोन दो प्रकार की है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें ये वाला पार्ट तो सेम है Glycolysis वाला पार्ट लेकिन उसके आगे चेंज जाता है क्या चेंज जाता है

स्केलेटल uh, मसल्स के सेल्स में कभी कभी होता है जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो यही एनरोबिक फर्मेंटेशन ही हो रही होती है लास्ट चैप्टर <coughs> पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे उसके बाद हम प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स की बात करेंगे सो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स जो होता है वो ग्रोथ होती है इट इज एन इिवर्सिबल परमानेंट चेंज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स और एन इंडिविजुअल सेल एक्म्पनीड बाय एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस ओपन और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ये प्लांट्स में होती है बॉडी बाई मेरे प्लाट ग्रोथ इज ओपन प्राइमरी ग्रोथ बाय रूट एंड शूट एपेक्स और जो लेटल होते हैं उसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो अलग अलग तरीके से फ्रेश वेट में ड्राई वेट में लेंथ में एरिया में वॉल्यूम में सेल नंबर में एक एग्जाम्पल दिए एनसीआरटी में कि वन सेल ऑफ मेज रूट एपिकल मेरिस्टम गेज टू सत्रह हजार पाँच सौ न्यू सेल्स फिर एक और भी एग्जाम्पल दिया हुआ था कि वाटरमेलन का एक सेल साढ़े तीन लाख गुना थ्री लाख फिफ्टी टाइम थाउजेंड था। ग्रो कर जाता है जब वो ग्रो करने पे आता है साइज़ में फेजेस ऑफ ग्रोथ आपको तीन मिलते हैं मेरिस्टमेटिक इलोंगेशन एंड मैचोरेशन फेज जैसे मान लो टिप है तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेरिस्टमेटिक यहाँ पे आपको मिलेगा इलॉन्गेशन तो यहाँ पे मिलेगा आपको मैचोशन मैचोरेशन में आपको रूट हेयर भी मिल जाएंगे अगर आप रूट की बात कर रहे हो तो सेम में आपको टिप पे मिलेगा शूट टिप पे मिलेगा

टिक और जियोमेट्रिक अर्थमेटिक में क्या होता है ज्योमेट्रिक जो जो हो में क्या होता है ऑल द प्रोजन इज कॉन्टिन्यू टू डिवाइड ठीक है तो इसका सिग्मोइड करवाता है ज्योमेट्रिक का इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू वन जैसे वेट है मान लो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई

ग्रोथ रेट जो होता है एप्सोलूट भी हो सकता है रिलेटिव भी हो सकता है एब्सोलूट आप देखो कि, कि मान लो जैसे पांच सेंटीमीटर स्क्वायर का पता है दस सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे पचास का जो है वो पचपन में बन गया तो अब एबसोलूट तो दोनों में सेम है पांच सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है लेकिन अब रिलेटिव देखो ये अपने से डबल हो गया है और ये इसमें से छोटा सा पार्ट ही बढ़ा है ना तीन टर्म्स अपने को पता होनी चाहिए डिफ्रेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन री डिफ्रेंसियन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है मेरिस्टोमेटिक सेल से मेचोर सेल बनना डी डिफ्रेंसिएशन क्या होता है मेच्योर से वापस मैरिस्टोमैटिक बनना ठीक है रिडिफ्रेंशिएशन क्या होता है जो मेच्योर से मैरिस्टोमैटिक बना है वो दोबारा से मेच्योर हो गया डिफ्रेंशिएट हो गया मेच्योर मतलब डिफ्रेंशिएट हो गया डेवलपमेंट क्या है ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल मतलब वो पैदा होने से मरने तक के जितने चेंजेस हैं ठीक है थेके? वो सारे के सारे डेवलपमेंट में आते हैं यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है ये एन सी आर टी का डायग्राम है मेरिस्टमेटिक सेल है उसने थोड़ा अपना प्लाज्मेटिक ग्रोथ करी मतलब साइज पहले छोटा था फिर साइज वो बड़ा हो गया ठीक है अब क्या है उसने सेल डिविजन कर लिया सेल डिविजन कर लिया तो सेल डिविजन से वो हो सकता है और मैरिस्टमेटिक सेल बना ले या हो सकता है वो डिफ्रेंसिएशन की तरफ चला जाए डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा एक्सपेंशन होगा मैचुरेशन होगा मेच्योर सेल बन जाएगा मेच्योर सेल बूढ़ा होगा सेनिसेंस बुढ़ापा आ जाएगा और मेच्योर सेल फिर मर जाएगा प्लास्टिसिटी ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्लास्टिसिटी क्या है प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पांस टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन और फेजेस ऑफ लाइफ इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं जैसे प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल हैटीरोटीरो मतलब डिफरेंट फिली मतलब लीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स बनना जैसे कि कोका कोला कोरियडर कॉटन और लार्क्स पर में आपको हेटेरोली देखने के लिए मिलती है लेकिन कैसे वाली देखने के लिए मिलती है फेज ऑफ लाइफ पे डिपेंडेंट मिलती है ठीक है ज्यूविनाइल फेज में ऐसा पत्ता होता है और मेच्योर फेज में ऐसा पत्ता होता है ये ठीक है टेके? लेकिन बटर कप में आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से देखने के लिए मिलती है इन्वायरमेंट के हिसाब से देखने के लिए मिलती है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल में आपका चौड़ा चौड़ा सा पत्ता होगा जैसे ही आपने बटर को पानी में फेंका उसकी तारे से बन गई ताकि रेजिस्टेंस कम हो पानी का ठीक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं दो प्रकार के हो सकते हैं या तो ग्रोथ प्रोमोटर्स या ग्रोथ इनहिबिटर्स प्रोमोटर्स में ऑक्सीजन जिबरलिन और साइटोकनिन इनहिबिटर में ए बी एंड इथाइलिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं ऑक्सीजन जो है फोटोट्रॉपिजम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि डार्विन और उसके लड़के ने पहली बार देखा था डार्विन और उसका लड़का फ्रांसिस ने ऑब्जर्व किया था कोल्यूब ऑफ कैनरी ग्रास में कि भैया फोटोट्रॉपिजम होती है मतलब जो हमारी शूट है वो उसकी तरफ मुड़ जाती है लाइट की तरफ और अगर हमें उसका टिप काट दूँ तो वो नहीं मुड़ती क्योंकि टिप में ही ऑक्सीजन था फिर एफ डब्ल्यू वेंट ने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया फ्रॉम द ओट सीडलिंग्स एवीना स्पीशीज इसलिए इसको अवीना ऐसे अवीना कल्चर ऐसे बोलते हैं जब आप ऑक्सीजन के बारे में टेस्ट करते हो अवीना कल्चर ऐसे बोलते हैं उसको ठीक है तो एफ डब्ल्यू वेंड ने क्या किया बेसिकली ये फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा था इसकी मुंडी काट दी यहाँ से इसको अगाड़ जल पे रख दिया अगाड़ जल में फिर ऑक्सीजन आ गया फिर इसने कटे हुए पोर्शन पे ये अगार जल रख दिया तो ये फिर से मुड़ने लग गया फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन गंदा कहीं का ठीक है इसमें नेचुरल है आई ए ए आई बी ए और जो सिंथेटिक है वो एन ए एक्सटेंसिव यूज बहुत ज्यादा एक इथाइलिन का और एक इसका यूज बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन uh, का यूज बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन वैसे तो ग्रोथ को प्रमोट करता है लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन डाल दोगे तो वो ग्रोथ को इनहिबिट सा भी करने लगता है क्योंकि टू मच ऑक्सीजन विल गिव राइज टू प्रोडक्शन ऑफ मोर इथाइलिन तो इथाइलिन के फीचर्स आने लगते हैं उसमें ठीक है एक्सटेंसिव यूज है इसका भी एक्सटेंसिव यूज है इथालीन का भी एक्सटेंसिव यूज है इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस इनिशिएट रूटिंग बेटा ये रूट बनाने में इंटरेस्टेड है ऑक्स से याद किया था ऊपर सांड, सांड की सारी शूट तोड़ देगा सिर्फ रूट को नहीं तोड़ पाएगा तो ये रूट बनाने में इंटरेस्टेड होता है ठीक है तुम तो देखना काफी सारी चीज़ें इनकी सिमिलर हैं जैसे कि रूट हेयर और रूट फॉर्मेशन इथलिन में भी दिया हुआ है इसमें भी रूट दिया हुआ है ठीक है देन पाइन में फ्लावरिंग इसमें भी दी हुई है और इथाइलिन में भी दी हुई है प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव अब ना ऑक्सीजन बड़ा समझदार सा है वो कहता है जिसका जो समय है वो करो जैसे कि वो यंग लीव्स को नहीं टूटने के गिरने लग देता लेकिन अगर कोई बूढ़ी होगी तो उनको कहता है चलो गिर जाओ ठीक है मेच्योर से डिसीजन दे रहा है प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट ऑफ ऑल्डर लीव्स एंड फ्रूट एपिकल डोमिनेंस इसी से होता है ठीक है ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स एपिकल बर्ड रिमूव कर देते हैं हम टी प्लांटेशन में ताकि लेटरल बर्ड्स ग्रो कर सके पूरा झाड़ बन सके कहाँ पे टी प्रेंटेशन में और हेज मेकिंग में इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी जैसे कि टोमेटोस में जैसे कि बनाना में और 24d एक्ट्स एज अ हर्बिसाइड फॉर डाइकोट वीड्स तो लॉन्स वगैरह बनाने में काम आता है क्योंकि लॉन्स मोनोकोट से बने होते हैं ग्रासेस से ठीक है तो वीड फ्री लॉन के लिए आप 24d लगा सकते हो कंट्रोल ज़ाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन जिबरेलिन गब्बर है

बट ये प्लांट्स में नहीं मिलता काइनेटिन ठीक है तो हमें जियाटिन ढूंढना पड़ा प्लांट्स में काइटिन मॉडिफाइड एडिनिन होता है फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑटोक्लिप्ड हेरिंग स्पर्म डी एन ए कानेटिन डजेंट अक्कर नेचुरली इन प्लांट्स जियाटिन नेचुरली अक्कर करता है इन कॉर्न कैनल्स एंड कोकोनट मिल्क इट इज सिंथिसाइज इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिविजन जैसे कि रूट अपैक्स शूट बर्ड्स लंग यंग फ्रूट्स प्रोड्यूस न्यू लीव्स क्लोरोप्लास्ट लेटर शूट ग्रोथ एडवेंटेशियस शूट ग्रोथ, ग्रोथ बेचारा ये ना ऐसे करता है कि फैलने दो बहुत पॉजिटिव बंदा है ये किसी की डोमिनेशन नहीं करने दूंगा ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनाओ ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट बनाओ बढ़िया इट ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन और लीफ सेनेसेंस को रोकता है ये क्यों बुढ़ापा लाएगा यार इसको तो बुढ़ापे से दुश्मनी है एथिलीन एथिलीन ना बड़ी ना ऐसे होती है गैसीयस होती है, है वोलेटाइल सी के सब कुछ जल्दी कर दो तो। जर्मिनेशन करनी है मैं हेल्प करूंगी जल्दी कर दो पेड़ उगना है जल्दी उगा दूंगी फ्रूट पकाने जल्दी बना दूंगी पकाने जल्दी पका दूंगी मरना है जल्दी मरो सब कुछ बस कैशेस है ना वॉलेटाइल गैस की तरह की जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो ऐसा सा कुछ सीन है इसका कजन्स ने कंफर्म किया था कि भैया राइपन ऑरेंजेस जो है उनसे कुछ सब्सटेंस निकलता है जिससे कि बनाना की राइपनिंग फास्ट हो जाती है कजन्स ने और फिर ऐसे हुक ताकि ये बाहर आ जाए प्रोमोट एंड एब्सेशन इन प्लांट ऑर्गन रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक करा देता है क्या होता है रेट ऑफ रेस्पिशन फास्ट हो जाता है जब क्या कहते हैं फ्रूट्स की राइपनिंग हो रही होती है ब्रेक्स बर्ड एंड सीड डॉमिनसी की थी डॉर्मिनसी में बदो बस जल्दी जल्दी कर लो जर्मिनेट जर्मिनेट ठीक है इनिशिएट जर्मिनेशन इन पी सीड आ, स्प्राउटिंग ऑफ टोबैको ट्यूबर्स रैपिड इंटरनोड पिटियोल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स ठीक है वैसे तो इलोंगेशन जिब्रेलिक एसिड का काम है लेकिन चलो ये डीप वाटर है तो जिब्रैलिक एसिड को पता नहीं चला होगा कि क्या कर रही है इथाइलिन पानी के नीचे रूट ग्रोथ रूट हेयर फॉर्मेशन देखो मैंने कहा था ना वैसे रूट ग्रोथ ऑक्सीजन का काम है लेकिन रूट ग्रोथ रूट हेयर फॉर्मेशन इथलिन में भी लिखा हुआ है इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल देखो इनिशिएट फ्लावरिंग इन मैंगो एथेपोन है बहुत ईजिल एबजॉर्व हो जाता है प्लांट्स के द्वारा इट है फ्रूट राइपनिंग भी जल्दी कर देती है फ्रूट राइपनिंग भी जल्दी करती है जल्दी बहुत मची हुई है प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर्स एप्सिक्ड्रेस हारमोन स्ट्रेस की कमी हो रही है, है. है किसी ने इसका नाम इनिबिटर बी रख दिया एप्सेशन टू रख दिया डॉर्मिन लेकिन बाद में पता ये सब एक ही था रोल ऑफ रेगुलेटिंग एपसेशन एंडिबिशनिज्म

क्रिटिकल ड्यूरेशन एक क्रिटिकल ड्यूरेशन है उससे ज्यादा की लाइट चाहिए इसकी क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम की लाइट चाहिए इसको बहना को शॉर्ट डे वाली को डे न्यूट्रल को कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो जो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ऊपर मिलेगी तब फ्लावरिंग करेगा वो लॉन्ग डे है जो क्रिटिकल फोटो पीरियड से नीचे मिलेगी तब फ्लावरिंग करेगा ये शॉर्ट डे है ठीक है वर्नलाइजेशन क्या होता है सम प्लांट्स रिक्वायर एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग है

फिजिकल रीजन है तो तोड़ दो उसका सीड कोड सीड कोड ब्रोकन ठीक है या चिलिंग कर दो ठंडा कर दो तो वो केमिकल्स अपने आप बहके निकल जाएंगे या एप्लीकेशन ऑफ़ नाइट्रेट्स या चेंजिंग द लाइट एंड टेम्परेचर चलो भैया ये पीपीटी तुम लोगों को मैं दे दूंगी अभी उस पर टेलीग्राम पे ठीक है तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी पूरा रिवाइज हो गया ये क्लास उन बच्चों को फायदा करेगी जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि तुमने मेरे नोट से पहले रिवाइज किया हुआ या उन बच्चों को फायदा करेगी जिनका रिवाइज है उनको एक बार रिवाइज करना ऊपर से अगर आपने कभी भी प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी तो आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा बट ये उन बच्चों के लिए इंटेंडेड ही नहीं है दिस इज़ अ सुपर फास्ट रिविजन आई होप यू विल यूज़ इट दैट वे एंड uh, अभी मैंने आई और ईयर के नोट्स बना लिए तो मैं देखती हूँ जब मेरा थोड़ा सा गले को रिलैक्स दे मैं दोबारा से आई और ईयर की क्लास बना लूँगी ठीक है चलो आई विल सी यू बेस्ट ऑफ लक आज का दिन एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करनी है ठीक है एक दिन से भी फर्क पड़ता है एक घंटे से भी फर्क पड़ता है कीप ऑन वर्किंग हार्ड चलो आई विल सी यू थैंक यू बाय